आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बारे में, जो कि अपकमिंग है, आपको ये कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। तो हम इसके फुल डिटेल के बारे में बताना चाहेंगे आपको। इसमें मिलेगा आपका 200 मेगापिक्सल का कैमरा और बाकी जो कैमरे होंगे 12-12 मेगापिक्सल के होंगे। ये एंड्रॉयड 14 पे वर्क करेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसका फ्रंट कैमरा जो होगा तो 60 मेगापिक्सल का होगा। इसमें जो चिपसेट काम करेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 चिपसेट काम करेगा। सीपीयू जो होगा आपका कोर प्रोसेसर पे काम करेगा और बैटरी जो होगी 5100mAh की बैटरी होगी और 12 GB का रैम होगा। इसमें जैसे कि हमने बता चुका है सारे फीचर आपको। इसमें जो डिस्प्ले होने वाली है, पंच होल डिस्प्ले होने वाली है और 144Hz पे काम करेगी। और जो डिस्प्ले का साइज होगा 6.83 इंच का होगा। इसके कुछ सिमिलर फ़ोन है। अभी इसी फ़ोन के बारे में अपन पुलिस के बारे में देखते हैं। इसमें जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होगा और एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन काम करने वाला है 14। जो इसमें यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेगी आपको, इसमें डायनेमिक एमोलेड 2X स्क्रीन देखने को मिलेगी और इसमें बहुत सारे अच्छे पिक्सल आपको देखने को मिलेंगे। और जो इसका कांच होगा गोरिल्ला ग्लास पिक्चर्स प्लस होगा। कैमरा 200 मेगापिक्सल का क्वाड कोर और OIS कैमरा होगा, जिससे आप 4K HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रंट का होगा 60 मेगापिक्सल का। इसमें 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल इन्वर्टर रहेगा। ये 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा और वायरलेस आप अगर चार्ज करना चाहते हैं तो 45 वाट का, और रिवर्स चार्ज करना चाहते हैं तो 10 वाट का। और डिटेल से देखते हैं इसके बारे में। इसमें हेडफोन जैक, इसकी जो रिलीज डेट होगी लगभग दिसंबर 2024 तक होगी। और इसमें आप देखना चाहेंगे, इसमें कलर जो है 1 मिलियन कलर होंगे। जो इसकी PPI है तो ये देख सकते हैं 454 है, जो आपको धूप वगैरह में कहीं भी दिक्कत स्क्रीन में देखने में नहीं आने वाली है। उसमें स्टोरेज टाइप UFS 4.0 है। इसमें जो वाईफाई है तो विथ हॉटस्पॉट दोनों है कि आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेंसर काम आने वाले हैं। और जो इसमें होगा हेडफोन जैक के लिए आप यूज कर सकते हैं, जो इसका चार्जिंग पॉइंट होगा USB-C टाइप होगा। इसका आप कैमरा देख सकते हैं, आप हर तरह के फीचर कैमरे में यूज कर पाएंगे। जो इसमें कस्टम UI है 6.0 है। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जिससे आने वाली आपको वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो।